अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी पीछे से, मुझे मालूम है। सहरी कर लेते हैं और तहज्जुद और फज्र की नमाज़ को पढ़ लेते हैं और एक दो घंटा सो के 7 बजे होते हैं और टहलते टहलते चलते हैं जिम। और लगभग हमारे घर से जिम मेरा 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है। इससे थोड़ा थोड़ा टहलना एक तरह से मानो तो थोड़ा कार्डियो हो जाता है, लेग का वर्कआउट है, तो वार्म अप तो मस्ट है एक तरह से। फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं अपनी स्क्वाट, बारबेल स्क्वाट, और अपना लेग एक्सटेंशन दूसरी एक्सरसाइज में, और फिर पहुंचते हैं अपने लेग कर्ल में, रिवर्स लेग कर्ल में पहुंचते हैं। इसको बोलेंगे रिवर्स लेग कर्ल। अब बढ़िया सा फिर अपना अच्छे अच्छे वेट के साथ लेग प्रेस, क्या ही मज़ा सा आ रहा था लेग के वर्कआउट को करने में। और इसको कैसे भूल सकते हैं, बढ़िया सी हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज, RDLS इसे बोलते हैं, एकदम बढ़िया सा। और भैया से बहुत ज़्यादा वार्तालाप हो रही थी एक्सरसाइज के बीच बीच में। और ये रही लेग की कंडीशन अपने वर्कआउट के बाद, लेग की कंडीशन, लेकिन कुछ भी कहो माशाल्लाह से रमज़ान में स्ट्रेंथ तो इतनी अच्छी खासी रहती है। और देखो फास्ट में भी इतना बढ़िया गेन दिखाई दे रहा है, रोज़ा रखे लेकिन फिर भी गेन दिखाई दे रहा है। ट्रेन की आवाज़ आ रही है उसके लिए भाई माफ़ी। और ये अपना भाई रोड में पता नहीं क्या काम चल रहा था, कुछ खंभे वगैरह कुछ लग रहे थे और धूप कसके होती है। और मम्मी को लेने जाना था स्टेशन, मम्मी का बैग ले आके अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपना थोड़ा रीडिंग लगाते हैं बुक की। और शाम को जब इफ्तार का टाइम होने वाला था उससे पहले अपनी दीनूबल कुरान पढ़ के अपना मस्जिद में इफ्तार कर लेते हैं। उसकी हम वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन हम कल से अपने आप को बदलने के लिए सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट का एक चैलेंज करने वाले हैं, ज़रूर देखना। धन्यवाद।